मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। हम लोग इसके पहले ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन भी पढ़े थे। तो जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 m था और टेम्परेचर 25 डिग्री सी या 298 केल्विन था, और इस तापक्रम तथा सांद्रण पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान होते थे उसको हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ये कहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात किया था। ये भी हम लोग जानते हैं कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो प्रत्येक सांद्रण और प्रत्येक तापक्रम पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान अलग अलग होंगे। तो हमने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात किया था इसको हम लोग करते हैं क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं, तो हमको एक सीरीज प्राप्त होता है और इसी सीरीज को नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये जो मान का कंसीडरेशन या काउंटिंग हम लोगों ने किया था, यहां पर हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड था क्या, ये सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड था। इसी को आधार मानकर अन्य सारे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हम ज्ञात करते थे। और यह भी याद होगा कि सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हम लोग शून्य मानते हैं। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो देखिए, रेफरेंस हमारा क्या था, 2H प्लस प्लस 2E माइनस, ये देगा H2, और इसको के मान को हम माने थे क्या 0 वोल्ट, ये हमारा रेफरेंस होता था। देखिए, जहाँ पर हमने ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था वहाँ हमने ये मान्यता बनाया था कि हम हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ही होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर स्थित होता है क्या, आपका लिथियम, और ये लिथियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान सबसे कम होता है और ये होगा -3.05। इससे कुछ नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा Zn2+ प्लस 2e माइनस, ये देगा Zn, इसका मान होता है 0.76 वोल्ट। इससे कुछ नीचे आ जाओ तो ये होंगे Fe2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ये देगा Fe, मान होता है 0.44 वोल्ट। अब ये हो, अब हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, इसके नीचे आ जाओ Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये बनाएगा Cu, इसका वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। इसके फिर नीचे आ जाते हैं, ये हो जाएंगे Az+, ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये बनाएगा Az, वैल्यू होता है 0.80 वोल्ट। और सबसे नीचे आ जाते हैं, ये होता है F2, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये बनेगा 2F-, इसका मान होता है 2.87 वोल्ट। इसके नीचे भी एक होता है और ये भी F2 होगा, ये करेगा क्या कि ये एसिडिक मीडियम में HF का फॉर्मेशन करेगा, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है +3.06 वोल्ट। हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान शून्य हो गया। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी सब्सटेंस होंगे, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निगेटिव होगा, और इसके नीचे जो भी स्थित होंगे सबका मान क्या होगा, ये
पॉजिटिव होगा। ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। सारे के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान लिखना संभव नहीं है। हमने जो कुछ मेन मेन इलेक्ट्रोड्स थे, जैसे लिथियम हो गया सबसे अधिक सबसे कम, फ्लोरीन हो गया सबसे अधिक, बीच में जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड थे इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हमने लिख दिया। अब ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग क्या है, इसके फायदे क्या हैं। तो अब ये देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फायदा क्या है। सबसे पहला तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया गया है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान किस चीज को इंडिकेट करते थे, आइदर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था, या फिर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था। तो हमने टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया है, यानी ये हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान यूज किए हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान बढ़ता है, वैसे वैसे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान सबसे कम होगा, इसका मतलब यह है कि उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कहते हैं किसको, ऑक्सीडेशन को, और वो बिहेव करता है किस तरह, एनोड के तरह व्यवहार करेगा। और जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होता है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता अधिक होगी, और वो बिहेव करेगा किस तरह, कैथोड के तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहला तो हम लोग इसमें ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। तो अब पहला तो ये हो जाएगा कि लोअर वैल्यू ऑफ E0, जिसके लोअर वैल्यू E0 का मान कम होगा, वो बिहेव करेगा किस तरह से, एनोड के तरह। और दूसरा ये हो जाएगा आपका हायर वैल्यू ऑफ E0, ये बिहेव करेगा किस तरह, कैथोड के तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहला तो एप्लीकेशन ये हो जाएगा कि हम इसको ये बता सकते हैं कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। जैसे हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, मान लीजिए हम जिंक इलेक्ट्रोड इसको कपल करते हैं किससे, कॉपर इलेक्ट्रोड से कपल करते हैं। वैल्यू ये देखते हैं कि E0 Zn2+ upon Zn, इसका मान होता है 0.76 वोल्ट, और इसका मान होता था E0 Cu2+ upon Cu, ये होता है +0.34 वोल्ट। तो देखिए ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू क्या है, अधिक है। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड ये बिहेव करेगा किस तरह से, एनोड के तरह, और ये बिहेव करेगा किस तरह, कैथोड के तरह बिहेव करेगा। अब देखो दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, अब ये पकड़ लिए कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, तो दूसरा हम ये बता सकते हैं E0 सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल के स्टैंडर्ड EMF का मान बता सकते हैं। याद कीजिए हमने ये पढ़ा था E0 सेल बराबर होता है क्या, E0R-E0L, राइट साइड पे होता था क्या, कैथोड। तो ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E0 एनोड। अब ये देखिए ये वैल्यू तो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिल गया, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको ये वैल्यू मिल गया। हम ये जानते हैं
कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड, जिसका वैल्यू कम होगा वो एनोड, जिसका वैल्यू अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, ये कैथोड। तो कौन डिटरमिनेशन हो गया कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को घटा दो, E0 सेल का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऊपर हमने ये देखा कि जिंक इलेक्ट्रोड को कपल किया कॉपर इलेक्ट्रोड से, इसका वैल्यू आया -0.76 था, इसका वैल्यू था +0.34। ये वैल्यू हमारा कम था तो ये एनोड हो गया और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड। तो अब यहां क्या हो गया, कैथोड क्या हो गया, E0Cu2+Cu -E0Zn2+Zn, इसका वैल्यू रखो ये हो गया +0.34, माइनस माइनस क्या हो गया +0.76, ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। और इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ई सेल या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो, अब और आगे देखते हैं कि ये हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिपेंडेंट होते हैं किस पर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिर्फ कब बताएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान बताएगा। तो देखो तीसरा ये भी बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, हमने एक पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। जिनको नर्स्ट इक्वेशन में किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो वो नर्स्ट इक्वेशन के वीडियो को ओपन करके नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें हमने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिटेल्स जानकारी दिया है। नर्स्ट इक्वेशन ये बताता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, इसके बीच संबंध बताता है। ये होता है M+N+Ne- gives out M। तो नर्स्ट इक्वेशन कहता है EM+N/M बराबर ये होता है E0M+N/N -2.303 RT/NF log molar concentration of product upon molar concentration of reactant। ये होता है हमारा क्या, नर्स्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ R का मान कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट होता है, F कांस्टेंट होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ये हम लोग क्या करेंगे, सेल रिएक्शन से बता देंगे। मेटल इन सॉलिड स्टेट इसका कंसंट्रेशन एक होता है। अब इन सारे वैल्यू को रख दो तो ये हो जाते हैं EM+N/M, ये हो जाएगा आपका E0M+N/M -0.0591/N, ये हो जाएगा log 1/concentration of M+N। देखिए ये मेटल के फॉर्म में रहेंगे तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना, 1। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, किसी एक कंपोनेंट का कभी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसके कोफिशियंट को मान लेते हैं कितना, ये माना जाता है 1। अब इस तरह से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमको कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगा। और इसका अगर कंसंट्रेशन मालूम हो तो इस कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी एक क्वेश्चन के रूप में यूज कर लेते हैं कि मान लो ये कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इफ जिंक रॉड इज डिप्ड इन
0.1 mm ZnSO4 सॉल्यूशन और ये है E0 Zn2+ अपॉन Zn, ये है -0.76 वोल्ट। अब ये कहता है कि जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कीजिए। यदि जिंक रॉड 0.1 mm ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप्ड है और ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ये वैल्यू हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि बताइए अगर ZnSO4 का सांद्रण 1 mm है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना है, -0.76 वोल्ट। तो अब कहता है कि ये ZnSO4 का कंसंट्रेशन 1 mm नहीं बल्कि 0.1 mm है, तो आपको बताना है कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा। तो नर्स्ट इक्वेशन का सहायता लेते हैं, ये हो गया Zn2+ +2e- गिव्स आउट Zn। वैल्यू क्या होगा, e Zn2+ अपॉन Zn बराबर होगा E0 Zn2+ अपॉन Zn -0.0591। अब देखिए Zn2+ से Zn जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 का, डिवाइड कर दिए 2, लॉग 1 अपॉन Zn2+ का कंसंट्रेशन हो गया कितना, 0.1। अब ये वैल्यू हमारे पास है -0.76 -0.02955 into 1, इसलिए ये करते हैं कि ये हो जाएगा कितने के बराबर, log 10 का मान होता है 1 के बराबर, ये हो जाएगा 1 upon 0.1, ये बराबर होगा log 10 के और log 10 का मान होता है कितना 1। अब इसके वैल्यू को रख दें तो ये होगा -0.78955 वोल्ट। यानी यदि कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 0.1 mm हो तो उस समय जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ये होगा। तो हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड का किसी भी कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं तो दो सिंगल इलेक्ट्रोड को मिला दो, ये बन जाएगा क्या, गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल के भी EMF का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, नेक्स्ट ये हो जाएगा कि E सेल ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल, ई सेल का मतलब हो गया क्या, EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। यहां जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे इसका कंसंट्रेशन कुछ हो, मान लो कोई गैल्वेनिक सेल है, इसके सेल रिएक्शन ये हैं कि ए मोल ऑफ ए ये रिएक्ट कर रहा है बी मोल ऑफ बी, बना रहा है एम मोल ऑफ एम प्लस एन मोल ऑफ एन, और इसमें एन इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है। तो नर्स्ट इक्वेशन के सहायता से ये देखो, ये हमने देखा था अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन ये वैल्यू आया था, देखिए ई सेल बराबर होता था किसके, E0 सेल -2.303 RT अपॉन NF log, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा, डिवाइड करते थे किससे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता था प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया ई सेल बराबर हो जाएंगे E0 सेल, सारे कांस्टेंट का मान रख दो, ये होगा 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितना था n,
अब देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या है, m मोल ऑफ m, तो ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ m, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है पावर में आ जाता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ n टू द पावर n, ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b। अब देखिए ये जो E0 सेल हैं, ये हो जाता था क्या E0R माइनस E0L, और ये वैल्यू हमको कहां से प्राप्त हो जाएगा, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल का किसी भी कंसंट्रेशन पर ईएमएफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से ये जानकारी हमको प्राप्त होगा। दूसरी जानकारी ये है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, इसके बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक टर्म होता है जिसको नाम देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, या हम लोग हल्का फुल्का ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में देखेंगे। ऑक्सीडेशन कहते हो किसको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है रिडक्शन, इसको कहते हैं हम क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उसका रिडक्शन होगा। सबसे सिंपल इसका एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के निर्माण में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन इस लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के त्याग को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। हमारा सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, और उस लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करता है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा। अब एक टर्म होता है जिसको नाम देते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है कि जो ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। उसी तरह दूसरा टर्म होता है जिसको नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहोगे, ये कहोगे कि रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, इसको कहोगे रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। अब इसी पर समझिए, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रेस्पॉन्सिबल कौन हो गया, क्लोरीन। अगर मान लीजिए हम सोडियम को अकेला रखते हैं तो सोडियम कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, जैसे ही सोडियम क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, क्योंकि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नहीं हो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता है। तो इस तरह सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, रेस्पॉन्सिबल कौन हो गया, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होंगे ये क्या होंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम क्लोरीन जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होगा। अब देखो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, रेस्पॉन्सिबल कौन हो गया, सोडियम, क्योंकि यदि सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो क्लोरीन का रिडक्शन नहीं होता। तो अब ये सोडियम हो गया क्या, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब सारे एलिमेंट की टेंडेंसी टू लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन समान तो होगा नहीं। अब मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, रिडक्शन, या ये कहो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए शर्त क्या चाहिए, ये चाहिए क्या, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
और ऑक्सीडेशन होता है क्या हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए चाहिए क्या लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले इसको नोट कर लीजिए, लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो यह था कि जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू किसका है, ये हो गया क्या आपका फ्लोरीन का। हाईएस्ट वैल्यू किसका हो गया, फ्लोरीन, इसको भी काउंट करो या इसको भी काउंट करो, तो फ्लोरीन जो होंगे इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता सबसे अधिक होगी, तो फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। अब मान लो दूसरा ये देखते हो कि लोएस्ट वैल्यू किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा लिथियम का, तो लिथियम जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। यानी ये भी कह सकते हो कि फ्लोरीन हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और लिथियम हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अब ये है कि लिथियम का सबसे अधिक सबसे कम, फ्लोरीन का सबसे अधिक, तो लिथियम से अगर फ्लोरीन के तरफ चलोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा, ये बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये कम होते जाएगा। ठीक उसी तरह से फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान सबसे अधिक होगा। अब हम नीचे से ऊपर के तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा, कम होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, देखिए ये हमारा आ गया था लिथियम था क्या हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होता था, सबसे कम होता था। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान बढ़ेंगे वैसे वैसे टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। तो सीधा कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, सीधा कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस। दूसरा ये था, देखो हमने ये देखा था F2 ये थे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कारण क्या था, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान घटते जाएगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ E0 डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ E0 डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये डिक्रीज करेंगे। इस तरह से हम
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान को देखकर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में तुलना कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए Li प्लस ये इलेक्ट्रॉन का गेन किया और ये बन गया क्या आपका लिथियम, इसके वैल्यू क्या हो गए -3.05। हमने ये कहा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इनकी क्या होगी टेंडेंसी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो यहां एक पेयर बनता है, देखो अगर तुम लेफ्ट टू राइट चलोगे तो ये होगा रिडक्शन, और राइट टू लेफ्ट चलोगे तो ये हो जाएगा देखो रिडक्शन, और ये होगा क्या ऑक्सीडेशन। तो इसका पेयर क्या बना, Li प्लस एंड लिथियम, ये एक पेयर बना। तो जब पेयर बनेगा तो लिथियम हमारा क्या हो जाएगा, ये था हमारा क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका पेयर क्या हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा क्या वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका पेयर हो जाएगा क्या हमारा ये वीकेस्ट होगा। यानी ये कह सकते हो कि ए सब्सटेंस में आपका हो सकता है एटम, हो सकता है मॉलिक्यूल्स, हो सकते हैं या फिर जो होंगे ये आयन्स हो सकते हैं, इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुज पेयर इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट, उसका पेयर जो होगा ये वीक होगा। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने लिखा F2 प्लस 2E माइनस गिव्स आउट 2F माइनस, ये हो गया इसका पेयर, यानी F2 और 2F, F2 ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग देते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हो जाएगा आपका क्या वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान को देखकर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में तुलना कर सकते हैं। अब इसी का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, इसके कुछ जानकारी को हम लोग इंडिकेट किए हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम इसको काउंट फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काउंट करेंगे तो ट्रेंड जो होगा ये बदलेगा, यानी F2 यदि जल से H प्लस से प्रतिक्रिया करेगा तो HF बनाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये इसके रेस्पेक्ट में या किसी अन्य में H प्लस का यूज या एसिडिक मीडियम का हमने यूज नहीं किया है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है E0 वैल्यू ऑफ सम सेल इज गिवन बिलो, कुछ सेल का E0 का मान हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है I2 प्लस 2E माइनस गिव्स आउट 2i माइनस, ये हो गया 0.54 वोल्ट। ये दूसरा है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5e माइनस गिव्स आउट Mn2 प्लस प्लस 4H2, वैल्यू इसका है प्लस 1.52। तीसरा है Fe3 प्लस प्लस ई माइनस गिव्स आउट Fe2 प्लस, ये हो गया इसका वैल्यू है 0.77 वोल्ट। नेक्स्ट है SN4 प्लस प्लस 2e माइनस गिव्स आउट SN2 प्लस, अब एरो मत दो यहाँ,
ये वैल्यू बराबर पे करो। ये वैल्यू है आपका 0.1 वोल्ट। आपको बताना है क्या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ये बताना है कि इसमें कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अभी देखो हमने क्या कहा था कि जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होगा या सबसे कम होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखिए चलिए इस पूरे में सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका हो गया, 0.1 वोल्ट, तो यहां हमको मिलेगा क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ये हो गया क्या लोएस्ट वैल्यू ऑफ ई जीरो, जिसका होगा वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ये क्या आ रहा है, अब ये किसका है, SN का है, तो SN4 प्लस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसका, SN2 प्लस का। तो ये SN2 प्लस जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और दूसरा ये हो जाएगा आपका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ई जीरो, ये बताएगा किसको, ये बताएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो किसका वैल्यू अधिक है, इसका वैल्यू यहां अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या MnO4 माइनस। इन चारों में MnO4 माइनस हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और SN2 प्लस जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान को देखकर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में तुलना कर सकते हैं। तीसरा एक और इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या हो गया, जीरो। यानी अगर H प्लस दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, सॉरी गेन करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो किसी भी एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन किस रूप में रहेगा, H प्लस में रहेगा। अब H प्लस से अगर H2 जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन वो करेगा जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होगा। तो हाइड्रोजन को या H प्लस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन करेगा, वही H प्लस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान जीरो से कम हो। जीरो से कम का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। तो सीधा ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है वो एसिड से प्रतिक्रिया करेगा और क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं या जो भी सब्सटेंस उपस्थित हैं वो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा कि सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट एसिड मस्ट बी प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड सब्सटेंस। देखिए सब्सटेंस में तीनों आ जाएगा, एटम आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और आयंस आ जाएंगे। सब्सटेंस विच डज नॉट गिव्स एच टू गैस With dilute acid, which is placed
विच इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। या ये भी कह सकते हो कि जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निगेटिव होता है वो हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कर, डाइल्यूट एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, और जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होता है वो क्या करेगा, वो डाइल्यूट एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, सपोज करो जिंक, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसको अगर हम मान लीजिए H2SO4 से प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये दे देगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस देगा। अब मान लो हम कॉपर को प्रतिक्रिया कराते हैं किससे, H2SO4 से, तो ऐसा नहीं है, कॉपर तो प्रतिक्रिया करेगा ही मेटल से, तो ये बना देगा आपका CuSO4 और ये दे देगा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। देखिए यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और H+ का क्या हो रहा है, ये रिडक्शन। तो जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या है, अधिक है, कम है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक है, ये हो गया -0.76, ये हो गया क्या, जीरो। अब मान लो रिएक्शन तो इसमें भी हुआ, कॉपर की भी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, लेकिन यहां देख लीजिए यहां ऐसा नहीं है, यहां पर कॉपर जो होंगे अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर आप देखिएगा तो यहां स्थिति ये है, देखो कॉपर के इलेक्ट्रोड ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गए जीरो, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1, ठीक, ये हो गए सल्फर हो जाएगा आपका क्या +6, ठीक है। अब यहां कॉपर हो जाएगा क्या तुम्हारा +2 और ये सल्फर हो जाएगा +4। अब देखो यहां कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो कॉपर का ही हो रहा है, लेकिन रिडक्शन किसका हो गया, रिडक्शन हो गया किसका, सल्फर का। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कॉपर का क्या होता है, ये कम होता है और सल्फर का अधिक होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देगा और जो इसके नीचे स्थित हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज ऐसा है कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी ये भी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन का गेन तो कर लिए, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकते हैं। तो लॉस कब करेंगे, लॉस तब करेंगे जब कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला उपस्थित हो। अब मान लीजिए एक चीज ये होता है, नेक्स्ट ये हो जाएगा फोर्थ में, एक टर्म पढ़े होंगे हाइड्राइड, मान लो हाइड्राइड हो गया Na2Na+H2 गिव्स आउट NaH। यहां देखो सोडियम क्या हो गया जीरो, +1 ये हो गया जीरो, -1। देखिए ये आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ाया जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं। अभी आप फिलहाल ये देख लीजिए कि सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और सोडियम जो होगा ये ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जो होंगे ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन का हो जाएगा क्या रिडक्शन, ठीक। तो रिडक्शन हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन, सोडियम का होगा क्या ऑक्सीडेशन। तो ये एक शब्द था हाइड्राइड, हाइड्राइड में भी हाइड्रोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। तो जब हाइड्राइड में गेन करेंगे तो ये सेल रिएक्शन होता है H2+2E- गिव्स आउट 2H+, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है -2.33 वोल्ट, ठीक है। अब देखो -2.33 वोल्ट से
जिसके भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान लोअर है, यानी लोअर वैल्यू ऑफ ई जीरो किसे देन -2.33 वोल्ट, ठीक, फॉर्म्स सीधा कह सकते हो फॉर्म्स हाइड्राइड विथ H2 गैस, ये जो होंगे हाइड्रोजन गैस के साथ हाइड्राइड का निर्माण करेंगे और ये एलिमेंट होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हो जाएंगे आपके सबसे ऊपर स्थित है लिथियम, पोटेशियम होंगे, रुबीजियम होगा, बेरियम होगा, कैल्शियम होगा, साथ में जो होंगे ये सोडियम होंगे एंड मैग्नीशियम होंगे। ये इतने एलिमेंट हैं, इनका वैल्यू क्या होता है, लोअर वैल्यू देन कितने के, -2.33 वोल्ट। इसलिए ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्राइड का निर्माण करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल भी बता सकते हो। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और यही क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं या मेटल अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये क्या करेगा, केटायन का फॉर्मेशन करता है, और जो जितने आसानी से केटायन का फॉर्मेशन करेगा वो क्या होगा, उतना ही अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इंडिकेट करता है टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होता है उसके टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की अधिक होगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होते जाता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ये बढ़ते जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका हो गया, लिथियम का, तो लिथियम हमारा क्या होगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, ये भी घटते जाएगा। तो सीधा कह सकते हो कि एज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेस, क्या हो रहा था, टेंडेंसी ऑफ या टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान घटेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी घटेंगे। तो सीधा ये भी कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के। अगर ई जीरो का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, एज वैल्यू ऑफ ई जीरो इंक्रीजेज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, और ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा 1/2, दोनों एक दूसरे का उल्टा समानुपाती होगा। अगर ई जीरो का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होंगे, ये घटेंगे। तो पहले इसको क्या कर, ये नोट कर लीजिए। अब ये बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था इसमें जो सब्सटेंस है
कुछ मेटल भी होंगे, कुछ नॉन मेटल भी होंगे। तो हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए दोनों को हम एक साथ नहीं ले चलते, क्योंकि मेटल जो होते हैं इसकी टेंडेंसी क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होगी, ये होगा क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों उल्टा टेंडेंसी है कि जिसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अधिक होगी उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो अगर मेटल की रिएक्टिविटी देखोगे तो जैसे जैसे टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता कम होते जाएगी, वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी कम होते जाएगी। नॉन मेटल में क्या था, इसका कैरेक्टर है गेन टू इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यही वैल्यू होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का। तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन ये किस चीज पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर। तो ये कह सकते हो कि एज वैल्यू ऑफ ई जीरो इंक्रीजेस, क्या होता है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगी, घटेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घटेगी, हेंस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान बढ़ेगा टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन घटेगा और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होंगे, ये भी डिक्रीज करेंगे। अब इसके लिए क्या कह सकते हो कि एज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेस तो क्या बढ़ जाएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और ये करेगा क्या, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल को बढ़ा देगा। तो ये हो जाएगा हेंस रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ये क्या होंगे, इंक्रीजेस। क्या इंफरेंस आया, ई जीरो इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, और दूसरा ये होगा वैल्यू ऑफ ई जीरो डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस। यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल में तुलना करें, जब भी तुलना होगा तो सिर्फ मेटल का या सिर्फ नॉन मेटल का, यह नहीं कि मेटल और नॉन मेटल दोनों को अगर मिला दें तो यह सीरीज, यह सीक्वेंस कामयाब नहीं होगा। नेक्स्ट होता है जिसको नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बता सकते हो कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर Cu2+ यहाँ पर है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब इसके ऊपर का अगर हम कोई भी एलिमेंट मेटल इसमें डाल दें, मान लो हम जिंक डाल देते हैं,
तो जिंक जो होगा ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ZN सॉलिड डाल दो तो ये बन जाएगा ZnSO4 एक्वस, और कॉपर जो होंगे ये क्या होंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज करो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग आयरन डाल देते हैं, तो देखो कॉपर से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये हो जाएगा FeSO4 एक्वस और कॉपर रिलीज कर जाएगा। अब मान लीजिए फिर हम ये ले लेते हैं कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले ले, अब इस बार हम इसमें डाल देते हैं क्या, सिल्वर, तो सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, कॉपर से नीचे होता है, तो अब ये सिल्वर जो होगा ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा, और ये कह सकते हो कि नो रिएक्शन, इस तरह का कोई अभिक्रिया संभव नहीं है या ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस मान को देखकर हम आसानी से ये भी बता सकते हैं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होंगे, यानी इसको ये कह सकते हो कि किसी भी एलिमेंट के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में उसके ऊपर स्थित एलिमेंट अगर डाल देते हैं तो सॉल्ट से मेटल क्या होंगे, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब इतना इससे बता सकते हैं, या इसको इस तरह से भी अगर देखो तो यहां पर देखो कॉपर क्या होता है, प्लस टू अवस्था में, जिंक जीरो है, ये हो गया क्या, फिर जिंक प्लस टू हो गया, ये जीरो, तो देखिए इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेचुरल है कि जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होना चाहिए। कॉपर का हो रहा है क्या, रिडक्शन, तो कॉपर जो होगा इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होना चाहिए। तो यही हम कहें कि किसी भी मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्थित अगर इसके ऊपर का कोई एलिमेंट डाल देते हैं तो वो उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, तो ऊपर वाले एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉल्ट के सॉल्यूशन से मेटल ग्रहण करेगा और वो क्या, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अब इस तरह से इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके सहायता से हम एक चीज और बता सकते हैं, ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड भी बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड भी जो होगा ये बता सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड भी बता सकते हैं। तो देखो इसको किस तरह से बताएंगे, मान लीजिए ये मेटल हो गए और ये हो गए क्या, ऑक्साइड, ऑक्साइड हो गया O2-, हर बार यही हमारा ऑक्साइड का एनायन होगा, मेटल बदलते जाएंगे, मेटल जब बदलते जाएगा तो क्या होगा, इसका साइज बदलते जाएगा, इस पर चार्ज जो होंगे ये क्या होंगे, बदलते जाएंगे, या फिर ये कहो कि इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी जो होगा ये बदलते जाएंगे। तो जितना अधिक मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना अधिक इसके ऑक्साइड जो होंगे ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो ये कह सकते हो कि ऑक्साइड ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज मोर स्टेबल, ये जो होंगे ये अधिक स्टेबल होंगे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ये क्या होता है, ये सीधा कह सकते हैं कि एज देखिए वैल्यू ऑफ ई जीरो इंक्रीजेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज। अब यह था कि मेटल अगर अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके ऑक्साइड क्या होंगे, अधिक स्टेबल होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान घटते जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, और इस तरह से ये कहोगे कि हेंस स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड
स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेस, मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी जो होगी ये घटेगी। तो टोटल इंफरेंस क्या हो गया कि एज वैल्यू ऑफ ई जीरो ऑफ मेटल डिक्रीजेस, नहीं, इफ ई जीरो ऑफ मेटल इंक्रीजेस, इफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड डिक्रीजेस, ये जो होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, ई जीरो इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे ई जीरो फॉर मेटल ऑक्साइड ये इंक्रीज करेगा, मेटलिक ऑक्साइड की स्टेबिलिटी जो होगी ये डिक्रीज करेगी। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मरकरी, मरकरी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होता है, तो इसको अगर गर्म करोगे तो ये क्या होगा, Hg और ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब मान लो सिल्वर ऑक्साइड, इसके भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होता है, तो इसको गर्म करोगे तो ये भी सिल्वर और ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इतनी जानकारी और भी जानकारियां हम लोग इसके सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इससे हम लोग क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं इसको हम लोगों ने देखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।